दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निबंध बताने वाले हैं हिंदी में। आप इसे 10 लाइंस के रूप में भी लिख सकते हैं, या आप इसे स्पीच के रूप में भी लिख सकते हैं, या आप इसे पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत समेत पूरे विश्व भर में 21 जून को मनाया जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द से हुई है, जिसके दो अर्थ है। एक अर्थ है जोड़ना और दूसरा अर्थ है अनुशासन। योग की उत्पत्ति प्राचीन समय में योगियों द्वारा भारत में हुई थी। योग वह क्रिया है जो शरीर के अंगों की गतिविधियों और सांसों को नियंत्रित करता है। यह शरीर और मन दोनों को प्रकृति से जोड़कर आंतरिक और बाहरी ताकत को बढ़ावा देता है। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित किया था। देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिल्ली के राजपथ में मनाया गया था, जहां खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी योग किया था। जो काम दवाइयां नहीं कर सकती वह काम योग कर सकता है। नियमित योग करने से तन मन स्वस्थ रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक विशेष दिन को मनाने के पीछे का कारण हमारे जीवन में योग को करने का महत्व पर बल देना है। दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ पे इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।